हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर मैं कर रही हूँ सुबह की क्लीनिंग। मॉर्निंग से स्टार्ट होता है यही, मतलब सुबह की क्लीनिंग यही होती है। बाहर का झाड़ू मारती हूँ, अंदर का झाड़ू मारती हूँ, पोछा मारती हूँ, और वही होता है, सभी का वही होता होगा। मेरा भी वही है, सेम ही रूटीन है, मतलब कुछ अलग नहीं है। बट यहाँ का मैंने आपको कभी नहीं दिखाया बाहर का, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहता है सुबह, इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि मुझे, मैं शूट करूँ और ये करूँ। तो आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ। और किसी ने मुझे पूछा था कि मैं जो ये है टाइल्स है बाहर की, वो डेली वॉश करती हूँ क्या? तो नहीं डियर, मैं डेली वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि डेली इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। और अगर टाइम मिल गया तो मैं शाम को, अगर टाइम मिल गया मुझे तो शाम को वॉश कर लेती हूँ। बट मैं 2 दिन छोड़ के ऐसे वॉश करती हूँ टाइल्स को। आगे की टाइल्स को मैं डेली वॉश कर लेती हूँ, बट पीछे की टाइल्स नहीं होते, तो इस वजह से पूरा जो वॉल कंपाउंड है 2 दिन छोड़ के वगैरह ऐसे कर लेते हैं। बट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 2 दिन का वेट ही करती हूँ। जब गंदा होता है तो करना ही पड़ता है, और नहीं तो फिर ऐसा करती हूँ कि एक साइड का एक दिन, एक साइड का एक दिन, ऐसे कभी किसी साइड का तो कभी किसी साइड का ऐसे कर लेती हूँ। क्योंकि इतना बड़ा वॉल कंपाउंड क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से ना, और मुझे ना सुबह सुबह इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो मैं कभी शाम को कर लेती हूँ, कभी सुबह कर लेती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मेरा जो वॉल कंपाउंड है धुल जाता है, और कभी कभी ये फिर हेल्प कर देता है मेरी, शाम को वगैरह अगर लोग वॉश करते हैं ना तो फिर ये हेल्प कर देता है। तो इस तरह से फिर हो जाता है, अगर मिलजुल के अगर काम करते हो ना घर पे तो थोड़ा सा काम बांट लेते हो तो हो ही जाता है। नहीं तो फिर अगर हम लोग अकेले फिर मतलब करते हैं तो उतना एक पे ही बर्डन डालते हैं तो नहीं होता है। वैसे भी हस्बैंड लोग थोड़ा सा हेल्प करते हैं तो वाइफ की तो जल्दी काम हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हस्बैंड का कि वो नहीं काम करते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं मेरी काम करने में। क्योंकि उनको भी पता है घर तो एक का नहीं है, घर तो हमारे दोनों का भी है। बच्चों को भी संभालना होता है, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, स्कूल भेजना होता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसी वजह से दोनों मिलके करें तो अच्छा रहता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये कॉलोनी न्यू है, तो इसी वजह से इतने ज़्यादा घर तो बने नहीं हैं अभी, तो थोड़े थोड़े बन रहे हैं। जैसे जैसे बन रहे हैं तो कॉलोनी जो है वो भर रही है, थोड़ा सा ज़्यादा घर हो रहे हैं यहाँ पे। और बस अभी मैं बाहर का झाड़ू मार लूँगी, और उसके बाद अंदर जाने के बाद मेरा पोछा बाकी है अंदर का, तो वो पोछा लगा लूँगी। और अंदर का झाड़ू मारने के बाद मैं तुरंत बाहर आ गई थी झाड़ू मारने के लिए। और हाँ गाइस, जो अंदर का झाड़ू है वो मैं बाहर यूज़ नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि अंदर का ही झाड़ू ये बाहर यूज़ कर रही है। तो ऐसा नहीं है, मेरे पास 2 झाड़ू है सेम ही कंपनी के। तो पहले का था तो वो मैंने बाहर झाड़ने के लिए रख दिया, और फिर जो अंदर, मतलब दिवाली के टाइम में इन्होंने लाया था, तो वो मैंने अंदर झाड़ू मारने के लिए रखा है। और यहाँ पर मैं पोछा लगा लूँगी अब तो। और ना अद्विक बहुत जल्दी गंदा करता है यार घर, मतलब इतना ज़्यादा। अब भी अगर मैं क्लीन करूँगी ना तो थोड़ी देर में ही घर गंदा हो जाएगा। कुछ ना कुछ खाता है तो वो गिरा ही देता है, और कितना भी क्लीन करो, मतलब मुझे तो सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है कि मैं घर क्लीन करती हूँ और थोड़ी देर में ही गंदा हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा घर वैसे के वैसे ही दिखता है, जितना भी क्लीन करूँ थोड़ी देर में हो ही जाता है वो। कितनी बार झाड़ू और कितनी बार पोछा हाथ में लेना पड़ता है, और किस किस के घर में ऐसा होना करना पड़ता है ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना तो इतना ज़्यादा, मतलब क्लीनिंग, बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ। एक्चुअली मैं ना झाड़ू और पोछे से ही परेशान हो गई हूँ। मेरे में मेड नहीं टिकेगी अगर मैं झाड़ू पोछे के लिए अगर मेड रखूँगी मैंने ना, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। क्योंकि वो तो अपना काम करके एक टाइम चली जाएगी, वो दो दो तीन तीन टाइम तो आएगी नहीं। तो उससे अच्छा है कि इसी वजह से मैं मेड वगैरह नहीं रखती हूँ, तो इससे अच्छा है मैं ही कर लूँ। और कितनी बार झाड़ू और कितनी बार पोछा लगाना पड़ता है, जो अगर छोटे बच्चे होते हैं ना तो वैसे ही होता है, सबके घर में वैसे ही होता होगा। पता नहीं मैं ही क्यों इतनी परेशान होती हूँ, क्योंकि कैसा होता है कि इतना, एक तो बड़ा घर होता है ना तो थोड़ा सा क्लीनिंग में प्रॉब्लम हो ही जाता है, बार बार उसे क्लीन करना पड़ता है। और जितना हम लोग घर क्लीन रखेंगे उतना अच्छा दिखेगा भी। तो यहाँ पर मेरे क्लीनिंग हो चुकी थी, तो मैं बना रही थी अद्विक का दूध यहाँ पे, मतलब बोर्नवीटा डाल के मैं अद्विक को दूध देती हूँ, जो सुबह का दूध होता है।
वो दे रही हूँ। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि मैं इसमें चीनी ऐड नहीं करती हूँ क्या, मतलब बच्चों के दूध में, तो नहीं डियर, मैं चीनी ऐड नहीं करती हूँ, मैंने आदत ही नहीं लगाई है चीनी की। तो मैं ऐसे ही बोनवीटा डाल के दे दूँ, क्योंकि बोनवीटा में थोड़ी सी चीनी ऐड होती है, तो इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा मतलब ऊपर से भी चीनी नहीं ऐड करती हूँ। और जैसे आप बच्चों को आदत लगाते हो ना, तो वैसे ही आदत लग जाती है मतलब बचपन से, तो इसी वजह से माही को भी नहीं आदत है चीनी डाल के दूध पीने की, और अद्विक को भी आदत वो डाली नहीं है हमने चीनी डाल के दूध पिलाने की। तो इसी वजह से ना मेरे दोनों बच्चे बिना चीनी के ही दूध पी लेते हैं, मतलब सिर्फ बोनवीटा ऐड करके ही दूध पी लेते हैं मेरे दोनों बच्चे भी। और हाँ, बीच बीच में ना अद्विक को पता नहीं क्या हो गया था, अद्विक दूध ही नहीं पी रहा था, और मतलब दूध पीना ही छोड़ दिया था उसने, तो अभी थोड़ा सा पीने लगा है। और वो भी बहला पूछला के उसे दूध पिलाना पड़ता है। किस किस के बच्चे ऐसे ज़िद करते हैं, मतलब नखरे करते हैं दूध पीने में, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अद्विक ना उसको बोलना पड़ता है कि आप गुड बॉय हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, दूध पीने से ताकत आती है, ये ऐसे करके उसको दूध पिलाना पड़ता है, तब जाके वो दूध पीता है। और वो भी उसके मूड पे डिपेंड है कि उसने अगर मांगा तो वो पीता है, अगर नहीं तो फिर वैसे ही रहने देता है। तो यहाँ पर मेरा बाकी का काम हो चुका था, तो मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर मैंने नहाया नहीं था, मैं बाद में नहा लूँगी और यहाँ पर कपड़े डाल दूँगी सारे, जो कपड़े मैंने अद्विक के और माही के धोए हैं, क्योंकि अद्विक के और माही के वैसे ही पड़े थे कपड़े, तो वो धो लिए थे मैंने। और इसके बाद मैं नहा लूँगी, क्योंकि मेरे और इनके कपड़े होंगे तो फिर बाद में हमारे कपड़े मैं धो लूँगी बाद में, तो ज़्यादा कपड़े नहीं रहते हैं, तो फिर वो हाथ से भी धुले जाते हैं, या तो फिर अगर मेरे ही रहे तो मैं हाथ से धो लेती हूँ, अगर नहीं रहे तो इनके भी रहे तो फिर मशीन में डाल देती हूँ, अगर एक दो ही रहे कपड़े तो फिर मैं हाथ से धो लेती हूँ, फिर मशीन चलाने में आलस आता है, क्योंकि एक दो के लिए मशीन लगाना भी जान पे आता है, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, मतलब उसके पानी चेंज करना पड़ता है। और ये ऑटोमेटिक मशीन नहीं है मेरे पास, मतलब मेरी जो मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक है, तो उसके लिए फिर पानी चेंज करना पड़ता है, उसका पानी निकालना पड़ता है, ये सारी चीज़ें झंझट होती है, मतलब झंझट भी नहीं, उल्टा तो मुझे ऑटोमेटिक से अच्छा सेमी ऑटोमेटिक मशीन अच्छी लगती है। एक्चुअली मेरी जो मशीन है अभी वो न्यू ही है, मेरी जो पुरानी मशीन थी, मेरी शादी की मशीन, वो ख़राब हो चुकी थी, तो इसी वजह से हम लोगों ने अभी ली है। आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि न्यू ही ली है। और हाँ, किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि जो मशीन है वो कौन से कंपनी के है, तो वो है हायर की मशीन, मैंने उस ब्लॉग में भी आपसे शेयर किया था कि हायर की मशीन ली है सेमी ऑटोमेटिक। बहुत सारे लोग न्यू ज्वाइन हुए तो उन्होंने पूछा था कि कौन से कंपनी के है, तो वो हायर की मशीन है गाइज, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मशीन, वो मतलब यूज़ करने में रफ़ एंड टफ है और अच्छी है। अभी तक तो वो मशीन से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगा है उसमें मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मुझे ना सेमी ऑटोमेटिक ही मशीन अच्छी लगती है, ऑटोमेटिक से, फुल्ली ऑटोमेटिक से, क्योंकि वो जितना भी हम लोग कपड़े डालते हैं तो वो लोड ले लेती है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, और ऑटोमेटिक मशीन इतना ज़्यादा लोड नहीं लेती है, उसमें गिने चुने ही कपड़े हम लोग डाल सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसी वजह से मुझे सेमी ऑटोमेटिक ही मशीन अच्छी लगती है। मैं चाहती तो ले सकती थी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, मैंने सोचा भी था पहले फुल्ली ऑटोमेटिक लेने का, बट फिर मेरा मूड चेंज हो गया और मैंने सेमी ऑटोमेटिक ले ली। गाइज़ ये ड्यूटी से आ गए थे और यहाँ पर इन्होंने देखिए कितना अच्छे से सलाद बनाया है, और मतलब मुझे तो नहीं आता है ऐसे मतलब बनाना, तो इन्होंने बनाया है, और मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। ऊपर से वो टोमेटो वगैरह अलग से काटा है ना, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। और सलाद ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से इनको बोलती हूँ कि मैं सलाद बनाओ करके, और मुझे ना थोड़ा सा काट कूट करने में बहुत ज़्यादा जान पे आता है, और मुझे मतलब ऐसी हेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे एक्चुअली ना मतलब बाकी के काम करके ही थोड़ा सा थक जाती हूँ, तो ये थोड़ा सा जो चोसने होते हैं, मतलब जो बाकी के काम होते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो यार जान तो अकेले के लिए क्या बनाना, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है अरहर के फल्ली की सब्ज़ी, मतलब फल्ली के दाने की सब्जी, जो ग्रीन वाले दाने होते हैं उसकी सब्जी बनाई है, जो पतली वाली सब्जी आपको दिख रही है, और ये आलू गोभी और मटर की सब्जी बनाई है, सूखी सब्जी, और यहाँ पर मुझे इन्होंने सलाद बना के दिया था, तो बस वो सलाद ऐड करूँगी
और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। मैं इनका ही वेट कर रही थी एक्चुअली, मुझे तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी बट मैं इनका वेट कर रही थी। मैंने सोचा चलो आज ये आने के बाद ही साथ में खाते हैं, तो क्योंकि ये लेट आते हैं तो इसी वजह से फिर कभी कभी भूख लग जाती है तो मैं खाना खा लेती हूँ बट कभी कभी रुक जाती हूँ इनके लिए, तो आज मैं रुक गई थी इनके लिए। तो हम लोगों ने फिर खाना खा लिया था बाद में साथ में। रेडी हो चुके हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि रेडी किस लिए हुई हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर, मतलब बाहर में मूवी देखने के लिए। और हाँ, मूवी कौन सी देखने वाले हैं एक मिनट, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तानाजी देखने वाले हैं, तानाजी देखने जा रहे हैं। और अभी बज रहे हैं 8:30 और हम लोगों का डिनर वगैरह हो चुका है, अभी अभी डिनर हुआ है और सारा कुछ रख दिया है मैंने। और हम लोगों ने खाया है आज चिकन बिरयानी, आज मैं चिकन बिरयानी बनाई थी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और मैंने तो आपके साथ रेसिपी शेयर की है ऑलरेडी, तो इसी वजह से रेसिपी आज शेयर करने की ज़रूरत तो नहीं थी, इसी वजह से मैंने नहीं की। हम लोगों ने अभी अभी किया है डिनर और पेट पूजा तो हो गई है, सारा कुछ हो गया है, सिर्फ क्लीनिंग, हाँ क्लीनिंग भी हो गई है, थोड़ा सा एक दो प्लेट्स रखी है ऐसी, तो बस वो भी रख दूंगी बेसिन में। और बस हम लोग निकलने वाले हैं, इन्होंने गाड़ी निकाली है तो मैंने सोचा चलो पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि क्या क्या हो रहा है और क्या हम लोग करने वाले हैं। तो चले फिर जाते हैं मूवी देखने और मिलती हूँ आपसे वहाँ पर जाके ही। अभी दे दो पापा का जैकेट। घर के स्लीपर निकल रहे हैं क्या? क्या घर के स्लीपर? घर के शूज पहन लो। ओके, मैं भी शूज ही पहनने वाली हूँ। निकाली के पापा ने गाड़ी? हाँ निकाल ली। चलो फिर तो चलिए अभी निकलते हैं। और अद्विक सो रहा था, अद्विक उठा। हाँ पापा नहीं बोल रहे। क्या पापा का? ले लो ना, ले लो, ठंड लगेगी तो काम पड़ेगा। तो अभी अद्विक सो रहा था तो अद्विक को हम लोगों ने उठाया। अद्विक उसके पापा के साथ बाहर गया था चिकन लाने एक्चुअली, तो वहाँ से ही मतलब जैसे ही उसको ठंड ठंडी हवा लगती है तो वो एकदम से सोने लगता है, तो वहाँ से ही सो के ही आया वो गाड़ी पे, तो इसी वजह से तो इसी वजह से उसको सुला दिया था फिर। और अभी उसने खाना भी नहीं खाया है एक्चुअली, अभी वहाँ पर परेशान करेगा। तो एक मिनट शू पहन लेती हूँ। हो बरोबर है अद्विक। गाइज यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं मूवी हॉल में और ये नीचे का पार्किंग का एरिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। और हाँ ये जो मतलब हॉल है मूवी हॉल, ये डी मार्ट के ऊपर ही है, तो आप लोगों ने काफ़ी बार ये पार्किंग का एरिया देखा होगा। डी मार्ट जब भी आते हैं हम लोग तो यहाँ पर पार्क करते हैं गाड़ी, तो आप लोगों ने काफ़ी बार देखा है बट स्टिल आपको बता दे रही हूँ। और हाँ गाइस, हम लोग ना 6 बजे का शो देखने आने वाले थे बट कोई गेस्ट आ गए थे घर पे, तो इसी वजह से वो नहीं हुआ हमारा, 6 बजे का शो नहीं आया हम लोग देखने के लिए। तो इन्होंने ना टिकट से नहीं निकाली थी, तो फिर हम लोगों को फिर डिनर वगैरह करने में और बाकी की चीज़ों करने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो फिर यहाँ पर आए तो क्या हुआ था कि फुल हो चुका था जो हॉल है वो फुल हो चुका था। फिर इसके बाद फिर हमें ना टिकट थोड़ी से आगे की मिली थी, तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था उससे। मतलब मूड ऑफ मीन्स क्या होता है कि बच्चों के साथ अगर हम लोग मूवी देखते हैं ना तो थोड़ा सा आगे की अगर सीट होती है तो थोड़ा सा ऊपर देखने में और वो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है, और एकदम सामने से दिखता है तो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था उस टाइम कि अगर यार मतलब देखने तो आए हैं इतना मूड बना के आ गए हैं, टिकट्स पीछे की नहीं मिली थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मूड वो हो गया था, ख़राब हो गया था। बट ख़राब मीन्स क्या कर सकते हैं, अभी हो गया तो हो गया। लेकिन ना बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, आप देख सकते हो अद्विक माही काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। और वैसे भी बाहर निकलते हैं तो बच्चे एंजॉय करते हैं अच्छे से। और ना गाइज ये जो मूवी है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई मुझे, आपको मैं क्या बताऊँ, मैंने पहले सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी मूवी होगी। मैंने सोचा था कि चलो बच्चों को दिखा के लाते हैं, हिस्ट्री वाली मूवी है और अच्छी, मतलब बच्चों को भी कुछ सीखने के लिए मिल जाता है उससे, और बच्चों के साथ देखने के लिए ना ये वाली मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मुझे ना इतनी ज़्यादा पसंद आई, कैरेक्टर सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं उसमें के, और सारे मतलब सारे लोगों ने अच्छे से कैरेक्टर प्ले किया है उसमें, और
मतलब जो मूवी है, जो ताना जी का रोल है, वो अजय देवगन ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। मुझे तो ना मतलब एक तो वैसे भी सब लोगों को हिस्ट्री बोरिंग ही लगती होगी, बट जब हम लोग पढ़ते हैं उस टाइम हिस्ट्री बोरिंग लगती है, बट जब आप ये मूवी देखोगे ना आपको बिल्कुल बोर नहीं होगा। और इतनी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये ना मूवी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आप बच्चों के साथ ये वाली मूवी देख सकते हो, नहीं तो आजकल की मूवी तो आप बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते हो, बट ये वाली मूवी आप ज़रूर देखिए और बच्चों के साथ देखिए, ताकि उनको भी पता चले हमारी हिस्ट्री क्या है और क्या क्या हम लोगों के लिए उन्होंने किया है। और हाँ, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हमें इतना नहीं लगता है, बट जब मैंने देखा तब मुझे लगा कि यार इन लोगों ने कितना किया है हमारे लिए। मतलब जब देखते हैं हम लोग तब पता चलता है कि इन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, मतलब पहले लोगों ने क्या क्या किया है, क्या क्या झेला है, सारी चीज़ें इसमें पता चलती है। और ना जब मूवी स्टार्ट हुई थी तब मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, मतलब मैंने सोचा यार क्या है ये, क्या दिखा रहे हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लगा, मतलब एकदम थोड़ा सा, थोड़ी सी स्टार्टिंग में। और उसके बाद जब से मूवी फिर बाद में रेगुलर में हुई, मतलब स्टार्ट हुई, तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है मूवी की, और ना फिर उसके बाद तो मेरा इतना, मतलब मैंने इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया मूवी पे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा फिर मूवी में। और ये स्टार्टिंग हो रही है मूवी की, और फिर ना उसके बाद तो आप पूछो ही मत, सारे लोगों ने अपना अपना कैरेक्टर इतने अच्छे से प्ले किया है। अजय देवगन का तानाजी का कैरेक्टर है वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्ले किया है। अजय देवगन का कैरेक्टर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मेन कैरेक्टर तो वही है तानाजी का। और फिर उसके बाद सैफ अली खान ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है, और उसके बाद काजोल का भी कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सारी मतलब सारी मूवी ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, आप ज़रूर देखना, और देखने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी मूवी। हाँ गाइस, घर पे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, 12:30 बज गए थे, तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग को एंड ही नहीं किया। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वगैरह डालती रहती हूँ। आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।